सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज तुम्हारा भाई जाने वाला है मनाली। सो व्लॉग में आखिर तक बने रहना। पैकिंग चल रही है भाई अभी मनाली की, देख लो भाई। ये कुणाल बैठा है और वो ये श्रेया भाई पैकिंग कर रहा है। ये बैग हो गया, एक ये बैग हो गया, एक ये बैग हो गया, तीन बैग लेके जा रहे भाई। ये हेलमेट का क्या काम था पैकिंग के अंदर भाई? हमारे लिए आ जा भाई। कैसी हो रही है भाई पैकिंग? हो गई, देख लो भाई, गले में पिलो डाल के और यहीं से पैकिंग करता है। बढ़िया तैयारी गाइस, अभी आ गई है हमारी बस, अभी बैठेंगे भाई बस में, हम सारे रेडी हैं। बैग्स देख लो भाई हमारी। हेलो गाइस, जय बाबा की। देख लो भाई हमारे सबके बैग्स। सो गाइस, फाइनली भाई बस आ गई है और बस में रख रहे हैं अभी हम सब के सब अपना लगेज। अंदर भाई बैठा हुआ है भाई, वो हमारे सारे के सारे बैग्स को अंदर अरेंज कर रहा है अच्छे से, ताकि सबका लगेज आराम से आ जाए बस के अंदर। तो चलो अब मिलते हैं बस के अंदर जाके। यहाँ पे ये एसी बैग्स और सीट जो है रिक्लाइनर है भाई, देख लो। और ये है भाई मेरा सीट मेट, जो भी कुछ कह सकते हैं। अच्छी दिखा नाम, अपनी नेम प्लेट दिखा भाई, नेम प्लेट दिखा भाई। ये नेम प्लेट रखता है, आ जा भाई। इवन भाई ये इसकी नेम प्लेट, इसके नाम की देखो भाई। तो मिलते हैं। भाई हमारे टूर का फर्स्ट टोल आ गया है, अभी दिखाते हैं आपको। सो भाई अब टाइम पास नहीं हो रहा था, टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो हमने खेलने स्टार्ट कर दिए उनो। मजाक ना है। बस गाने पीछे छिल गए, बस नहीं तू भाई छिल जाएगी भाई तेरी। ये कुछ होटल है जिसमें हमने अभी रात का डिनर किया है, देख लो। और ये हमारी बसेस खड़ी, और ये मेरे भाई मेरे क्लासमेट्स हैं। तो भाई ये कैसा था? निहायत इतना गंदा खाना, इतना गंदा खाना भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ, इतना गंदा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। तो थैंक यू भाई मेरा ब्लॉग देखने के लिए यहाँ तक, और चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले शॉट में। यहाँ पे रुकी थी बस, अभी 2:15 का टाइम हो रहा है भाई। यहाँ पे हमने करी थी भाई कॉफ़ी ऑर्डर, 8 कॉफ़ी 400 रुपये की आई है भाई, लिटरली इतनी महंगी कॉफ़ी। कोई नहीं, चलो भाई। तो भाई कॉफ़ी वगैरह पी के अब वापस आ गए बस के अंदर, और बस के अंदर आने के बाद सबको आ रही थी बहुत तेज़ नींद, तो सबके सब सो गए भाई। अभी देखते हैं क्या आता है आगे, एक टनल आने वाली है वो दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस आ गई है वो टनल जिसका वेट था। ये टनल भाई वाकई में बहुत लंबी है, और यहाँ पर है ना फ़ोन के सिग्नल्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे, मेरी सिम पे काटा आ गया भाई बिल्कुल। भाई फाइनली अभी टाइम हो गया, सुबह के 5 बज गए हैं, और अभी कुछ वक्त पहुँचने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 किलोमीटर का रास्ता रहेगा, तो पहुँच के मिलते हैं आपसे और दिखाता हूँ आपको कैसा है कसौल। तो हेलो गाइस, हम आ गए हैं कसौल, और गर्मी के टाइम पे भाई मुंह से धुंध निकल रही है। आपको यहाँ के अभी व्यू दिखाते हैं, वो सामने देखो भाई पहाड़ यार, कितना मस्त व्यू आ रहा है। और ये खड़ी हमारी बस, और ये है भाई रोड, देखो लिटरली भाई बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है भाई, जो कहते हैं ना एक्सटेंडेड लेवल, वो वाला व्यू आ रहा है भाई।
सो भाई कैंप में जाने से पहले हम रुके थे एक रिसोर्ट के बाहर, वहाँ पे वॉशरूम करने के लिए रुके थे भाई हम। देखो भाई ये रिसोर्ट अंदर से कितना सुंदर है, कितना ज़्यादा भाई हिस्टोरिकल सा डिज़ाइन है इसका, और थार भी खड़ी है इसके अंदर, बहुत मस्त है भाई ये रिसोर्ट, बहुत प्यारा लग रहा है। फाइनली गाइज आ गए हैं रिसोर्ट से बाहर। रिसोर्ट से बाहर आते भाई मैं क्या देखता हूँ कि बाहर बहुत प्यारा व्यू है, और नीचे जाके नदी बह रही है और पहाड़ है भाई साइड में, ठंडी ठंडी वादियां हैं, सुबह सुबह का मौसम है। तो नीचे चलता हूं भाई और आपको दिखाता हूं अभी। भाई ये है बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्यू जो आपका भी दिखाने वाला हूँ। तो एक दो और तीन, देखो भाई यहाँ पे है कितने सुंदर सुंदर ट्रीज़, नदी जा रही है और कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है भाई। और लिटरली आप वहाँ देखोगे ना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ पर पहाड़ पे बर्फ़ भी है अगर आपको दिख रही हो तो, ये वाइट वाइट कलर की बर्फ़ है भाई। यहाँ पे रुक गई है बस हमारी, और अभी मैं जा रहा हूँ क्या इशू हो गया ये देखने के लिए, आपको भी दिखाता हूँ। आई थिंक सो, तो जैसा मैंने सुना है आगे कोई ट्रक वगैरह फंस गया है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, और उसकी वजह से ये सारा इशू आ रहा है। तो अभी देखते हैं क्या है। भाई साहब जी कितना लंबा जाम, आपको दिखाता हूँ मैं अभी, शायद से आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्लोज जाता हूँ मैं फिर दिखाता हूँ। वो ऊपर तक दिख रहा है भाई, वो लोड ऑल्टो जो खड़ी है वहाँ तक, मतलब वहाँ पर तो गाड़ियाँ खड़ी हैं एट द एंड। उसके बाद देखो भाई, देखो भाई वो लोड ऑल्टो जो खड़ी है वहाँ पे, अभी ये गाड़ियाँ वहाँ पे अभी खड़ी हैं, उससे आगे एक ट्रक का एक्सीडेंट है भाई। ये बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, मैं तो कोई चढ़ने नहीं वाला इसे। वो गाड़ियाँ निकल रही है भाई, गाड़ियाँ निकल रही हैं। डिज़ायर आती हुई दिख रही है आपको? मुझे तो दिख रही है, बस भी आ गई शायद से भाई, जाम खुल गया, देखते अभी। तो चलो बस में इन्फॉर्म करते हैं, अपनी बस आ जाएगी। तो भाई फाइनली जाम सॉर्ट हो गया है, अपनी बस चल पड़ी है डेस्टिनी के लिए, और चलो अब चलते हैं कसौल और फिर मिलता हूँ आप सब लोगों से। फॉर नॉलेज पर्सन ओनली भाई, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम जो कसौल में है किसी होटल में नहीं बल्कि अपने लगेज निकाल रहे हैं भाई, मैंने निकाल लिया अपना लगेज, एक ये ट्रैवलिंग बैग था, अब चलते हैं। ये व्लॉगर, एक व्लॉगर और, चलो भाई चलते हैं। कुछ ऐसे ही ट्रक की वजह से हमारा इतना टाइम वेस्ट हुआ था। अभी 700 मीटर्स की ट्रैकिंग है भाई हमारी, आपको देख लो ऐसी ट्रैकिंग है यार, देख लो वो भाई, यहाँ पे तो भाई ये वाला बैग भी नहीं चला सकता, कच्चा है बिल्कुल, पूरा बैग गंदा हो जाएगा कीचड़ में। चलो भाई आपको नीचे जाके दिखाता हूँ, मुश्किल हो रही है एक हाथ से व्लॉग और एक हाथ से बैग पकड़ के चलना, तो नीचे चल के दिखाता हूँ भाई। हमारे कुछ कैंप्स, इन एक कैंप में 5 बच्चे रुकेंगे, मुझे तो लगता नहीं 5 बच्चे इस एक कैंप में सो सकते हैं। सो गाइस फाइनली अपने कैंप्स पे हम पहुँच गए हैं, और कैंप्स पे पहुँचने के बाद पीछे ही रिवर थी, और पीछे भाई रिवर के बीच में एक पुल बना हुआ था, देख लो भाई ये पुल है वहाँ पे, और उसके पीछे मार्केट है, मार्केट में जाके देखते हैं क्या कुछ है। अभी चलो मार्केट में चलते हैं। तो भाई मार्केट में जाके देखा, वहाँ पे तो कुछ था नहीं, वहाँ पे सब की सब वाइन शॉप थी या फिर थोड़ा बहुत नशा था भाई उसकी शॉप थी, फ्लेवर डुक्का वगैरह। तो भाई वहाँ से तो हम कट लिए, और अब यहाँ से पीछे से भाई ये रास्ता पहाड़ पे जा रहा है, तो देखो कहाँ तक चढ़ा जाता है, वहाँ तक चढ़ते हैं। अगर बीच में कोई मैसेज आ गया कॉलेज की तरफ से तो वापस आना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं भाई ऊपर तक।
सो गाइज अभी हम जा रहे हैं मणिकरण गुरुद्वारा। मणिकरण गुरुद्वारा भाई यहाँ पर बहुत फेमस है, और अपने वहाँ पे जैसे सोना है ना, सोना में गर्म पानी का झरना है, ऐसे यहाँ पे भी ओरिजिनल जो नेचुरल गर्म पानी है भाई वो आता है। तो एक बुरी बात लगी भाई हमारे कॉलेज की, हम आए थे ट्रैवलर में, और भाई अब हमें इसकी खुद फ़ी पे करके और यहाँ की लोकल बसेज में गुरुद्वारा जाना पड़ रहा है। तो चलो भाई अब आपको चल के गुरुद्वारा दिखाता हूँ, लेट्स मूव। ये है भाई वो गुरुद्वारा जो अभी हम देखने आए हैं, यहाँ पे है ये पार्किंग इसकी, जिसकी हमारे को अभी कोई नीड नहीं है। देखो भाई ऊपर कितना मस्त पहाड़ है और काफ़ी कूल लग रहा है वो भाई, वहाँ से देखो नदी भी बह रही है, और आई थिंक सो वही गर्म पानी है। अभी नीचे जाके देखते हैं भाई कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है, और नहाते तो यहाँ पे है भाई एंट्री यहाँ से, और काफ़ी अच्छा है भाई दिखने में वो भाई गर्म पानी। देखो यार वो गर्म है भाई, आप देख वहाँ से वो जो वहाँ से पानी आ रहा है ना भाई, वो गर्म पानी है। ये गर्म पानी जो आपको भी दिख रहा है, ये गर्म पानी है, देखो भाव भी उठ रही है अगर आप लोगों को दिख रही हो तो। और यहाँ पे ठंडे पानी की नदी कॉम्बिनेशन देखो भाई, एक जगह से गर्म पानी और एक जगह से ठंडा पानी, और ये यहाँ पे कुछ इस टाइप का ब्रिज, और ये है हमारा गुरुद्वारा, काफ़ी कूल लग रहा है भाई देखने में। और ये है कुछ होटल्स यहाँ पर। तो भाई गुरुद्वारा साहिब के अंदर आ गए हैं, अभी यहाँ पे मार्केट छोटी सी आपको दिखाते हैं। तो भाई शिव मंदिर आने के बाद यहाँ पे ये है गर्म पानी का एक पूल, जहाँ पे हम अपने हाथ पैर जो है भाई इसको धो सकते हैं मंदिर जाने के लिए। और इसके बाद चलेंगे भाई एक ऐसे पूल में जहाँ पे हम बात भी ले सकते हैं। और भाई देख लो यहाँ पे अभी आयुष दिखेगा आपको, मेरे को तो दिख रहा है आयुष है, और वो जो ऑरेंज और वाइट कलर का कैंप है वो हमारे वाला कैंप है भाई, जिसमें 8 बंदों की सीटिंग है, 8 बंदे उसमें सोने वाले हैं। और कैंप्स के पीछे भाई जो मार्केट है, मैंने उसमें पता किया है वहाँ पे हर जगह नशा ही नशा है, तो वहाँ पे नहीं जाने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले।